बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एमसीक्यू एकेडमी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसडीओ का पास पेपर। ये पेपर 17 अप्रैल 2022 का हुआ था, यूटी वालों ने कंडक्ट किया था। कंप्लीट ओरिजिनल पेपर इस वीडियो में हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर एसडीओ का ये पास पेपर देख सकते हो। ये 17 अप्रैल 2022 का पेपर है, यूटी वालों ने कंडक्ट किया था। यहाँ पर एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है कि एसीमी कंडक्टर इज पाम बाय डैश बांड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कोवेलेंट बांड। इसके बाद एमसीक्यू नंबर टू है कि एसीमी कंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है नेगेटिव टेम्परेचर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। थर्ड नंबर एमसीक्यू है कि अ ट्रांजिस्टर हैज डैश, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू पीएन जंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एलिमेंट दैट हैज द बिगेस्ट साइज इन ए ट्रांजिस्टर इज डैश, तो कलेक्टर बेस एमिटर कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कलेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है द बाइनरी नंबर 10101 इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। ये बाइनरी नंबर को डेसिमल में अगर आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आता है 21। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अ वाल्टमीटर शुड हैव डैश रेजिस्टेंस, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। सो वाल्टमीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इफ अकॉर्डिंग एंगल पर फंडामेंटल प्लक्स वेव इज इट्स वैल्यू पर फिफ्थ हार्मोनिक इज डैश, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 5A। नेक्स्ट एमसीक्यू है टू अल्टरनेटर्स हैज रनिंग इन पैरेलल, इफ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ बोथ द अल्टरनेटर इज चेंज देयर विल बी रिजल्ट चेंज इन डैश, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्रीक्वेंसी। 9 नंबर एमसीक्यू है कि कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न विल डैश, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डैमेज द ऑपरेटिंग कॉइल। 10 नंबर एमसीक्यू द ट्रिग्नोमेटिक फोरियर सीरीज फॉर द कॉम्प्लेक्स वेव्स विल कंटेन पॉजिटिव कोसाइन टर्म ऑनली व्हेन डैश, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इट्स वैल्यू इज 0 at 0 = n/2, 3n/2 एटसेट्रा। 11 नंबर एमसीक्यू इन एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इफ लोड करंट इंक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज विल डैश, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डिक्रीजेज। इसके बाद 12 नंबर एमसीक्यू है कमर्शियल पावर सप्लाईज है वोल्टेज रेगुलेशन डैश, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, विद इन 1%। 13 नंबर एमसीक्यू है ट्राइक इज ए डैश स्विच, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बाई डायरेक्शनल। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ डाइक हैज डैश सेमी कंडक्टर लेयर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4। 15 नंबर एमसीक्यू है एमीटर शुड हैव डैश रेजिस्टेंस, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वेरी लो रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर का वेरी हाई रेजिस्टेंस और यहां पर एमीटर का वेरी लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू एट लॉगिंग लो आर्मेचर रिएक्शन इज एन अल्टरनेटर इज डैश, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद 17 नंबर एमसीक्यू इन एन अल्टरनेटर इफ द वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच बाय 50 इलेक्ट्रिकल डिग्री इट्स पिच फैक्टर विल बी डैश, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 0.906। नेक्स्ट एमसीक्यू मोटर प्रिपेयर पार्सेंटेक फाइबर मिल्स इज डैश, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वाड्रिलेटर स्पीड टाइम करो इज द क्लोजर अप्रोक्सीमेशन पर डैश, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद 20 नंबर एमसीक्यूज फॉर मेजरिंग पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज इन अ सिस्टम द रेफरेंस इज टेकन एज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इसमें से नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू डिफरेंशियल रिलेज आर इंस्टॉल्ड टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट अगेंस्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंटरनल फॉल्ट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज इफ एन आरएलसी सीरीज सर्किट द फ्रीक्वेंसी इज बिलो द रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी देन डैश, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद 23 नंबर एमसीक्यूज व्हेन एन रेक्टेंगुलर वोल्टेज वेवफॉर्म इज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर द वेवफॉर्म ऑफ इट्स चार्जिंग करंट इज डैश, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर बाय टू मेटालिक स्पीयर राइज टू द सेम पोटेंशियल इज 6, द रेशियो ऑफ द सर्फेस एरियाज ऑफ द स्पीयर इज 36, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इन आरएलसी सीरीज एसी सर्किट द करंट इज डैश, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इज ऑलवेज इन स्पीयर विद अप्लाइड वोल्टेज। नेक्स्ट एमसीक्यू ट्रांजिस्टर रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम बेसिकली बिकॉज ऑफ डैश, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्टोर एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू इन अ क्रिटिकली डैम्प सिस्टम द डैम्पिंग फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज डैश,
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यूनिटी। 28 नंबर एमसीक्यूज इन प्यूनोमेटिक कंट्रोल सिस्टम द कंपेंसेशन इज प्रोवाइडेड बाय डैश, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द सीरीज सर्किट, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, करंट। इसके बाद 30 नंबर एमसीक्यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस सिस्टम इज 123 नॉट ए वैलिड नंबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज यूज ऑफ बंडल कंडक्टर कॉसेस द क्रिटिकल वोल्टेज पर कार्नोना फॉर्मेशन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू इंक्रीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज इफ अ टेस्ट लैंप लाइट अप व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर एंड अ सेटेबल डीसी सप्लाई, इट्स क्लियरली शो दैट द कैपेसिटर इज डैश, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट एमसीक्यूज द टाइप ऑफ बाईपास कंडक्टर द वर्क बेस एट हाई फ्रीक्वेंसीज इज डैश, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों पहले जो 33 तक एमसीक्यूज थे वो पार्ट वन के थे जो कि इलेक्ट्रिकल रिलेटेड थे, अब यहाँ पर ये पार्ट टू के एमसीक्यूज है जो कि जनरल एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज है कि विच कंट्री इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट लॉ पर फाइनेंशियल सेक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इन विच ईयर डिड द चेर्नोबिल डिजास्टर हैपन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1986। नेक्स्ट एमसीक्यूज हाउ मच एरिया ऑफ एंटार्क्टिका इज कवर्ड विद आइस, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 98%। नेक्स्ट एमसीक्यूज इंडोनेशिया हैज अबाउट डैश आइसलैंड, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 17,000 तक। इसके बाद 38 नंबर एमसीक्यूज है के व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब पर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 40 ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है 39 नंबर के देयर आर डैश रुको इन होली कुरान, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 558। इसके बाद द प्रोसेस एट द मोस्ट डिटेल लेवल ऑफ द डेटा फ्लो डायग्राम आर कॉल्ड डैश, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका ये कंप्लीट पेपर था, 40 एमसीक्यूज थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये 40 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। ये था एसडीओ का पास्ट पेपर जो कि 17 अप्रैल 2022 का यूटी वालों ने लिया था। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।